Om Om Ik. Om Om Do. Om Om Ti. Om Om Ta. Om Om Pa. Om Om Ti. डे टू डे लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मेरी डे टू डे लाइफ। और आज का व्लॉग हमारा योगा डे व्लॉग है। ये व्लॉग मैंने लास्ट ईयर अपने दूसरे चैनल फूड फॉर फूडीज़ के लिए रिकॉर्ड किया था और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सब नॉर्मल है, सभी लोग योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और समहाउ मैंने सोचा कि यार इसे रहने देते हैं, नहीं पब्लिश किया। बट इस साल इतना बड़ा वॉइड है, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, इस तरह के छोटे छोटे फंक्शंस भी अब ऐसा लगता है यार ड्रीम, पता नहीं कब हम दोबारा से इस तरह की गैदरिंग में जा पाएंगे, कर पाएंगे। तो आइए मेरे साथ आप भी देखिए हमारा योगा डे लास्ट ईयर का सेलिब्रेशन, और साथ में कुछ कुछ बातें करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फूड फॉर फूडीज़। और आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं जा रही हूँ योगा डे सेलिब्रेट करने। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, एंड आज हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक्चुअली इधर थोड़े दिन से योगा हो भी रहा था, तो आई होप मज़ा आना चाहिए। लेट्स सी। ये 5:15 पे बड़ा अच्छा लगता है यार उठ के, कभी ट्राई नहीं किया। तो अब हम वेन्यू पे आ गए हैं। ये हमारा एक कॉमन ग्राउंड है, यहीं पे हमारी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो होली वाला फंक्शन आपने देखा था वो भी यहीं पे हुआ था, और सारा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट डन है। और ये हमारा फ़ोटोशूट, प्री इवेंट फ़ोटोशूट, और बस अब इवेंट शुरू हो रहा है। सो वी ऑल आर गेटिंग रेडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ योगा डे सेलिब्रेशन। और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इनफैक्ट थोड़ा सा कट भी कर दिया है, क्योंकि ये बहुत स्लो किया था हम लोगों ने। आपको आगे एक और जगह देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, यहाँ तक हम लोग योगा कर रहे थे, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते जा रहे थे, और हम लोग जो भी वो लोग मतलब जो भी हमारी इंस्ट्रक्टर मैम जो हमें इंस्ट्रक्शन देती थी कि ये आसन करो वो आसन करो, हम करते थे। हम लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस करी थी कि हमें आसन के साथ में उसका नाम भी, मतलब नाम के साथ में हमें आसन भी याद रहे। और नेक्स्ट जो हम आगे जाने वाले हैं वो एक परफॉर्मेंस, हम लोगों ने एक गाना है ओरे पिया, उसमें पूरा डांस परफॉर्मेंस तैयार किया था। हेलो, आ जाओ। तो डांस परफॉर्मेंस तैयार किया था, ये परफॉर्मेंस आगे है, तो आइए साथ में ही देखते हैं। हमारा डांस परफॉर्मेंस शुरू हो गया है, और मैंने एक जगह ट्राइपॉड लगा दिया था, तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब हिलता डुलता हुआ नहीं है, ये वीडियो एकदम स्टैटिक है, और आई एम द मोस्ट हैप्पी वन इन दिस वीडियो। एक्चुअली इस परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की हुई थी। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, और आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आप योगा वगैरह करते हैं तो। ये एक परफॉर्मेंस है ओरे पिया पे, और उसी को हमने कॉपी किया था, और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद हम लोग ऐसा कर पाए थे। ये कुछ मेरे फेवरेट स्टेप्स हैं। मेरा आधा ध्यान तो कैमरा में है इसमें, कि कोई कैमरा के आगे नहीं आए। इंटरेस्ट में गाइस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार ये। आई मीन लास्ट ईयर ये पूरी फुटेज मैंने रिजेक्ट कर दी थी, और इस साल मुझे लग रहा है बस यार कि थोड़ा सा भी अगर कुछ करने को मिल जाता। इस वीडियो में ना सामने मतलब इस परफॉर्मेंस में सामने बच्चे हैं, वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं,
और हम लोग उन लोगों को देख के थोड़ा बहुत मतलब कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ा बहुत याद था, बट काफ़ी सारे लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, बट हम लोग काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जब जो चीज़ होती है ना, हमें कभी उसकी कदर नहीं होती है। जब इस साल नहीं है तो इस बार ये फुटेज मुझे इतनी अच्छी लग रही है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको डांस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत मेहनत करी थी हम लोगों ने। योगा से बॉडी में एक्चुअली काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। यूट्यूब पे नॉर्म्स होते हैं, उसके चलते मैं इसमें ओरिजिनल ट्रैक नहीं डाल सकती थी। मतलब मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कोई पंगे में पढ़ना नहीं चाहती। कुछ तो तरीका होता है, आई डोंट नो, बट स्टिल। और ये फिर से सूर्य नमस्कार, इसमें जल्दी जल्दी करना था। यहाँ पे महोदय मेरे मतलब पर्सनल फेवरेट स्टेप्स हैं ये वाले जो हैं। एक तो थोड़ा इजी है, ऊपर से मतलब ये पता रहता है कि हाँ अब इसके बाद में ना थोड़ा सा रह गया। इसमें मैं आपको एक आसन बताने वाली हूँ जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका पार्ट है। एक्चुअली ये जो योगा वाला गाना है ये कम्प्लीट वर्कआउट है। मतलब अगर कोई इसी को कर ले 5-10 मिनट घर पे, तो आपका प्रॉपर वर्कआउट हो जाए। लुक एट इट यार, कितना अच्छा था। शीज आर इंस्ट्रक्टर जो बीच में आ जा रहे हैं, इन्होंने हमें सिखाया था। और मैंने लास्ट ईयर लाइफ में पहली बार योगा किया था, मतलब इसके पहले मैंने कभी योगा नहीं किया है। अलग ही हैप्पीनेस है भाई। तो अब ये है वो आसन। अगर आपको सर्वाइकल या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये आसन कर सकते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है स्कल की तरफ आता है। और मैंने अपने ट्रेनर से पूछ के ही आप ये कीजिएगा, बट एक्चुअली ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाल टूटना बंद होता है मानसून में, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अब बस ये लास्ट का म्यूज़िक है यार, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा हम लोग का। अपने इंस्ट्रक्टर को भी मैं देख रही थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। और यहाँ पे फिर से क्लैपिंग। और ये हमारा पोस्ट इवेंट फोटोशूट, हम लोग बहुत मजे से एंजॉय कर रहे थे। सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी। 1 महीना पूरा हम लोगों ने मेहनत करी थी इसके पीछे, और उसके बाद में सब लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस को बहुत प्रेज भी किया। और ये थे वो बच्चे, ये लीड कर रहे थे, और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस किया था। और फाइनली हमारी एक ग्रुप फोटो। सो गाइस वी आर डन विद योगा डे सेलिब्रेशन, एंड दिस वाज रियली ग्रेट। योगा डे सेलिब्रेशन डन, और आई कैन टेल यू हाउ फ्रेश आई एम फीलिंग। मतलब बढ़िया लग रहा है एकदम, और खूब अच्छा हम लोगों ने योगा किया, डांस किया, उसके बाद भी एज एन थकान नहीं है। और इतना बड़ा दिन है, पता है, सुबह उठने का शायद ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दो मैं हमेशा से यू नो, जो टिपिकल इंजीनियरिंग बच्चे होते नहीं है, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, बट टुडे आई एम रियली फीलिंग ग्रेट। और घर आके सुबह की कड़क चाय, जिसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत थी 5 बजे उठने के बाद में। योगा से पहले हमें कुछ खाना पीना नहीं था, इसलिए घर आके आराम से चाय पी, और साथ ही देखा टीवी पे मोदी जी योगा कर रहे थे, योगा डे सेलिब्रेशन बाकी जगह का। सो गाइस, ये था हमारा योगा डे ब्लॉग। मुझे आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आ सकूं। और फिलहाल के लिए बाय बाय, फिर जल्दी ही मिलते हैं।